हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैंने दोबारा की चाय पी है और अब थोड़ा सा काम शुरू करूँगी। ज़्यादा काम नहीं है, आज मेरा व्रत है, पूर्णिमा है तो आज मेरा व्रत है। और सुबह सारा खाना जो व्रत का खाना होता है वो बना के बहू गई थी, बस थोड़ा सा इनकी सब्जी रोटी बनानी, सब्जी भी वो बना के गई है। और कोई ज़्यादा काम नहीं है, कपड़े की मशीन लगा दूंगी, ज़्यादा कपड़े भी नहीं है तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर लेती हूँ जो भी काम करूँगी। अच्छा, मैंने जो कल वीडियो कल की जो डाली थी वो आप लोगों को कैसी लगी, बचत टिप्स आप मांग रहे थे तो बचत टिप्स मैंने उसमें बहुत सारे दिए। यदि आपने नहीं देखी हो तो ज़रूर देख लें बचत वाली वीडियो, क्योंकि आप बचत वाली जो वीडियो होती है वो बहुत मांगते हैं। तो जितने भी मेरे पास टिप्स होते हैं मैं ज़्यादातर दे देती हूँ, फिर भी जो मैं खुद अपनाती हूँ वो टिप्स आप लोगों को बता देती हूँ, तो ज़रूर देखिएगा वो वीडियो। उसमें खास काम नहीं दिखाएं, काम तो हम लेडीज़ के हमेशा ही रहता है, खाना बनाने का, बर्तन साफ करने का, कपड़े धोने का, सफाई करने का, ये काम सबके ही रहता है। लेकिन बचत के टिप्स मैंने उसमें बताए हैं, ज़्यादा काम नहीं बताया है क्योंकि 10 मिनट की वीडियो से ज़्यादा वीडियो आप लोग देखते नहीं, स्किप करते जाते हैं, इसलिए 10 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं बस बनाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बनाती हूँ क्योंकि उसमें ड्यूरेशन आ जाती है कि कितनी आप लोग देख रहे हैं वीडियो। तो इससे अच्छा है कि मैं छोटी ही वीडियो बनाऊँ, तो इस कारण मैं छोटी वीडियो बनाती हूँ। तो कुछ टिप्स हैं जैसे किचन टिप्स हैं तो वो भी मैं देती हूँ आपको अपनी वीडियोज़ में। तो मैंने आपको एक बार नींबू का जो टिप्स दिया था, नींबू के छिलकों का जिसका अचार बन गया था, मतलब नमक वाले नींबू बनाए थे, इसी तरह से आप नींबू के छिलकों को इकट्ठा करके रखें और उसको पानी में उबाल लें। ये टिप्स दे रही हूँ मैं आपको, दो तीन टिप्स। तो पानी में उबाल लें उन छिलकों को और मतलब बेकिंग सोडा डाल दें, जो खाने वाला सोडा होता है वो डाल दें, थोड़ा सा नमक डाल दें और जिससे भी आप बर्तन मांजते हैं साबुन जो भी है या जो भी लिक्विड है वो डाल के, और फिर आप अपने जैसे भगवान के बर्तन है वो भी साफ कर सकती हैं, तांबे के बर्तन है या भगवान की कोई मूर्ति है या आपका गैस है या आपका स्लैब है किचन का, ये सब साफ कर सकती है, इससे कीड़े मकोड़े भी नहीं आते और जो चीज़ हम धोते हैं साफ करते हैं वो बिल्कुल साफ हो जाती है। तो नींबू के छिलकों को ना फेंके। तो ऐसे मैं कई टिप्स इस वीडियो में बताऊंगी जो आप लोगों की बहुत काम आएंगी। जैसे छोटी छोटी साबुन होती है, हमारे साबुन हमेशा बच जाती हैं छोटी 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 और वो इधर उधर गलती रहती है, तो उनको एक बार सुखा लें, थोड़ी सी सूखी जगह पर उनको रखते हैं। जो भी कोई आपके पास कोई पुराना मोजा है, जैसे कई बार मोजे गुम जाते हैं, एक मोजा रह जाता है, तो मोजे में या फिर कोई फटा हुआ मोजा है तो मोजे में खट्टी कर लें, खट्टी करके वो स्क्रबर का काम करेगा आपके, तो उसमें गांठ लगा दें आप मोजे में साबुन के टुकड़े डाल के, और फिर आप अपनी सिंक साफ कर सकती हैं या आप अपनी वाशिंग ये वाश बेसिन होती है वो साफ कर सकती हैं, आपके नल वगैरह साफ कर सकती हैं। तो उसमें थोड़ा सा पानी डाला और उसको बस मल दें सारी जगह, तो आपकी बहुत सी जो चीज़ें हैं वो साफ हो जाएंगी, वो साबुन भी काम आ जाएगी। जैसे आपकी टाइल्स वगैरह हैं, किचन की टाइल्स हैं, वो बहुत ख़राब होती हैं तो इनको साफ कर लें, तो ये चीज़ें आपकी उससे आराम से साफ हो जाएंगी, आपकी साबुन भी छोटी छोटी काम आ जाएंगी और वो मतलब साफ भी आपकी हो जाएगी, आपकी सिंक साफ हो जाएगी, आपकी वॉश बेसिन साफ हो जाएगी, आपकी टाइल्स साफ हो जाएंगी। तो इसी तरह से कोलगेट को भी आप थोड़ा सा, जैसे कोलगेट बच जाता है कई बार हमारे उसमें ट्यूब में, तो उसको निकाल लें, पूरा निकाल कर आप अपने नल वगैरह भी साफ कर सकती हैं, ये जो हमारे स्विच वगैरह है वो भी साफ कर सकती हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें कि अंदर आपके हाथ उसमें ना जाए, कोई भी पुराना जो टूथ ब्रश होता है उससे आप कोलगेट लगा के इनको सबको साफ कर सकती हैं, जो भी आपके स्विच वगैरह हैं, बच्चे हाथ लगाते हैं, हम हाथ लगाते हैं तो गंदे हो जाते हैं, तो उन चीज़ों को आप साफ कर सकती हैं कोलगेट से। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें मालूम भी होती है लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं। इसी तरह आप जब बेडशीट में बेडशीट बिछाती हैं और आपके सल बहुत आते हैं यदि, तो मेरे भी यही है कि बथक भी घर में रहता है और सब एक ही रूम में हम बैठते हैं तो उसमें सल बहुत आते हैं, तो क्या करना है कि हमें जो चारों कोने हैं उनमें गांठ लगा देनी है, बेडशीट के चारों कोनों में गांठ लगा के और फिर उसको बेड के नीचे दबा देना है, तो आपका जो बेडशीट है वो बिल्कुल सल नहीं होंगे उसमें, बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाएगा बेड में।
तो ऐसी छोटी छोटी कई बातें हैं जो मैं आपको बतानी होगी यदि आप यूज करें तो। इसी तरह से आपके घर में कोई मेहमान आ गए हैं और आपको खाना वाना बनाना है और जल्दी नहीं बन पाता है, तो कई चीजों की प्यूरी बना के रख सकते हैं आप। जैसे पालक की प्यूरी बना के रख सकते हैं, तो पालक को उबालिए, प्यूरी बना के आप फ्रीजर में रख दीजिए। इसी तरह से आप टमाटर की प्यूरी बना के रख सकते हैं। टमाटर, हरी मिर्च, प्याज खाती तो प्याज और लहसुन, ये सब चीजें मतलब या तो उबाल लें इनको, उबाल के और फिर इनकी मिक्सी में पीस लें इनको ठंडा करके, और फिर इनको छोंक के रख दें, तो आपकी जो ये प्यूरी है वो आपके 3-4 दिन काम आ जाएगी। तो खूब सारी आप टमाटर की प्यूरी बना के रख दीजिए। अभी तो टमाटर बहुत महंगे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग तो ला ही रहे हैं, सभी घरों में आ रहे हैं टमाटर, तो टमाटर की प्यूरी बना के रखते हैं आप। ऐसे ही अदरक की प्यूरी भी बना के रख सकते हैं। तो उस टाइम जब हम खाना बनाते हैं तो वो फटाफट खाना बन जाता है। ज्यादा लोगों का हमें खाना बनाना पड़ता है तो फटाफट बन जाता है। तो कई तरह की आप प्यूरी बना के रख सकती हैं, चटनी बना के रख सकते हैं, तो ये चटनी वगैरह खराब नहीं होती हैं। 3-4 दिन भी रख सकती हैं आप उनको चटनी वगैरह को। तो जब मेहमान आते हैं तो हमें 2-4 चीजें देनी ही पड़ती हैं थाली में, तो आप चटनी बना के रखिए, प्यूरियाँ बना के रखिए, जिससे आपका टाइम कम लगेगा और खाना आपका फटाफट बन जाएगा। कहीं आपको जैसे शाम को जाना है कहीं, तो आप सुबह सारी तैयारी करके जाएं, जिससे आते ही आप फिर इतनी मतलब थकी हुई भी आएंगी तो भी आप केवल रोटी आपको बनानी पड़ेगी, चाहे तो आप कोई सब्जी बना के जाएं, चाहे आप छोले वगैरह भिगो के जाएं, उनकी तैयारी करके जाएं। तो कहीं भी आपको जाना हो, और मेहमान सबके घर में आते हैं क्योंकि बेटियां भी आती हैं छुट्टियों में। अब तो छुट्टियां खत्म हो गई, लेकिन फिर भी मैं आपको टिप्स दे रही हूँ कि कई बार आ जाते हैं मेहमान वगैरह, तो उनके लिए आप मतलब आपका समय कम लगे इसके लिए आपको कई चीजें बना के रखनी है। इसी तरह से शाम के खाने की तैयारी करके भी आप रख देंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो हम यदि इनका जीवन में उपयोग करते हैं तो हमारा समय भी कम लगता है और काम भी आसान हो जाते हैं। तो चलिए मैं रोटी बनाती हूँ। एमी गर्मी की वजह से खाना वाना बड़ी मुश्किल से खाती है, तो उसको मैं छाछ दे रही हूँ। देखती हूँ छाछ पी ले, कई बार छाछ पी लेती है वो और कई बार छाछ भी नहीं पीती है। देख के आती हूँ, मेरा मन ऐसा होता रहता है जब तक वो खाती नहीं है कुछ, तो मेरे को लगता है आज इसने ये नहीं खाया, आज इसने नहीं खाया। मतलब गर्मी होती है तो जैसे हमको भूख नहीं लगती, ऐसे इनको भी भूख नहीं लगती है। तो एक कमेंट आया था कि आप नमक देते हैं क्या? नमक वमक कुछ भी नहीं देती हूँ मैं इसको, खिचड़ी भी इसकी बिना नमक की बनाती हूँ, और ये छाछ भी दूंगी तो बिना नमक की दूंगी, तो नमक नहीं देते हैं हम इसको। एमी छाछ पिएगी। टूंगी इसके पास से तब पिएगी। थोड़ा सा वीडियो बना रही हूँ ना, तो देखती है ऐसे ऐसे। तो मेरी रोटियां बन चुकी है, सब्जी बनी हुई है, और मैं पापड़ की चूरी बनाऊंगी इनके लिए। इनको पापड़ की चूरी बहुत पसंद है खाने के साथ, और अर्थक के लिए बनाऊंगी पापड़ की सब्जी, क्योंकि वो सब्जी खाता है पापड़ की, और दूसरी सब्जी खाता नहीं है। तो कुंदरू की सब्जी बनाई हुई है, तो उसके लिए पापड़ की सब्जी बना दूंगी। हमारा सबका व्रत है।
तो पापड़ की चूरी बन गई है। और झनकाना जी आप हमेशा कहती हैं कि मास्टर जी की पसंद की चीज बनाया कीजिए, तो मैं बनाती हूँ उनकी पसंद की। और आज बहू भी बना के गई है, कुंदरू की सब्जी उनको बहुत पसंद है और पापड़ की चूरी बहुत पसंद है तो मैंने उनके लिए पापड़ की चूरी बनाई है और वो बड़े चटकारे लेकर खाएंगे। अब मैं अथक के लिए बनाऊंगी पापड़ की सब्जी, तो आपको कई बार रेसिपी दे चुकी हूँ फिर भी दे देती हूँ। तो सबका पसंद का खाना बन चुका है, थोड़ी सी किचन की सफाई करूंगी और उसके बाद रेस्ट करूंगी। और ये देखिए मैं पूरी गीली हो गई हूँ, तो अब हवा में जाके बैठती हूँ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। आपको कैसी लगी पापड़ की चूरी की रेसिपी, पापड़ की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।